तो अभी ना ये जाले वगैरह उतारने और जहाँ से जो पेपर लगते हैं ना इलाके, तो ये भी झाड़ू के साथ ना सारी उतारनी है नीचे, क्योंकि जब बर्तनों पर गिरती है तो इतनी ज्यादा गंदे हो जाते हैं बर्तन, तो अभी देखती है किस तरह सारी साफ सफाई होती है। ये काफी कल की लगी हुई है, कुछ कल किया है काम इस तरह से, तो बाकी ये आज करूंगी। ये जाले उतारने हैं सारे गंदे हुए सारा कमरा गंदा हुआ पड़ा है। देखो कितना गंदा कमरा हुआ। हाँ जी कितनी धूल। बिस्किट हां जी लिखे खा लेनी है कोई कोई लगदा तू किदो नहीं रात को बैठ गया मां बेटी खांदी है पॉपुलर नहीं रात थले वे कलर ते आई नहीं नौमा ते कलर ते आ बीमारी है कुर्सी रख के मेरा थल मजी फिर मैं डिगी इको भाई रहे जी कल के जो छाड़े धो के मैंने रखे थे ना, अभी कमरे की साफ सफाई कर ली है जितनी करना है, कोई थोड़ी बहुत रहती है तो बाद में करती हूँ। कुछ ये सारे छाड़े कल के धोए हैं तो अभी इनको प्रेस करना तो वो करती हूँ। हाँ जी जी तुम इतने की करते पे हो नाना अबू ने मारना भी शोर ना करो।
जी बच्चे खेल रहे हैं। अभी मैं करती हूँ छाड़े प्रेस। शुक्र है जी अल्लाह पाक का। ये बर्तन शर्तन साफ और छाड़े छाड़े डाल दिए, सारा साफ सुथरी हर चीज़ हो गई है। बस जी बाकी अभी फिर से चारपाइयाँ वगैरह बिस्तर हर चीज़ करने के बाद में करती हूँ, पहले थोड़ा सा और काम करना है वो कर लूँ। मैं आज अंदर साफ करने ना थोड़ा थोड़ा हौला हौला नहीं हो गया सर जी, अब वो जड़े फटे तो और ली थी ना सफेदी जी, पूरे पूरे डिग गए थे वो सारे कपड़े आते भी तो बर्तन आते अपने वालों तो साफ सुथरा एक बार कर दिता हूं कोई चलो दस दिन ही नंगने महीना कि दस दिन बाद फिर पुछा के साफ कर लियो। पक्का उदो मैं आवास नु थोड़ा मना किया, मैं कोई पक्का कलर करवा ली नवा फर्नीचर लगता ही नहीं तो अंदर ऐसा जिदा उजड़िया उजड़िया जहा हो सारे पास एक कल ही ज्यादा डिगदी नाले लोगों ने भी कीतियां पता नहीं उन्होंने सीमेंट के रला के कीतियां सीमेंट के मेरा ख्याल रला के कीतियां लाइट बलदी है सर्दी लगती है। अब्बास ने चादर भी नहीं ली तो मैं भी चादर ते लै लिया कर मोटरसाइकिल ते तू सर्दी है कहिंदा विच होने का खतरा हुंदा है ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਬਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਸਰੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਪਈ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਆਹ ਰੋਡ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਖਾ ਸਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਈ ਅਜੇ ਅਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਾ ਪੜਿਆ ਆਇਆ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਖੋਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਈ ਮੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜੀ